हाय हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो अपार्टमेंट के सेंटर में या साइड में जो गैप रहता है, आज उसी को हम कवर करने के लिए आए हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह है। अगर दोस्तों यही गैप सेंटर में रहा तो किस तरह करना है, इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है। ये इसका थंबनेल है, देख सकते हैं, और इसका लिंक भी मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उधर पे भी जाके चेक कर सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि वाटर लीकेज हो रहा है और उसे कैसा ठीक करें। तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप बिना स्किप के वीडियो को देख लेते हैं तो आप सबको समझ में आ जाएगा हमने किस तरह वाटर लीकेज प्रॉब्लम को ठीक करा है। आप लोग को समझ में आ जाएगा, तो इसीलिए इस वीडियो में बने रहो। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है इस्माइल, आप देख रहे हैं SSRTech99 यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोग मुझे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। जो भी नए हैं, जो भी फॉलो नहीं किया, जाके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस शर्ट का साइज बता देता हूँ। 2.5 फीट का चौड़ाई है और लंबाई आके 33 फीट का है। तो दोस्तों, इसमें कितने शीट पड़े हैं और कितना मटेरियल पड़ा है और लेबर कॉस्ट कितना हुआ है, ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, पहले इन लोगों ने फाइबर शीट डाल के रखा था, तो उसी को निकाल के अब आयरन शीट डाल रहे हैं। तो दोस्तों, हमने इसको किस तरह फिटिंग किया है ये देख सकते हैं आप लोग। हमने दीवार पे ड्रिल डाल के रॉड मार के उसको वेल्डिंग किया है। तो दोस्तों, हमने इस काम के लिए जो मटेरियल लाया है वो 40x40mm का स्क्वायर पाइप है और ये एक लेंथ आके 14 kg आता है। तो दोस्तों, ये पर kg आके 84 rupees का मिलेगा मार्केट में, और एक लेंथ का कास्ट हुआ 1176 rupees का। तो हमने इस काम के लिए पूरा चार लेंथ लाया है और चार लेंथ का कास्ट है 4700 rupees है। तो दोस्तों, जो भी मैं मटेरियल का कास्ट बता रहा हूँ वो इस साल जून मंथ 2023 का रेट है। तो मटेरियल का कास्ट आगे पीछे भी होता रहता है, ये आप लोग खुद पता करना होगा अपने शहर में। तो दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल पे प्रेस कर लो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आप लोग को किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं 24 आवर्स में आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो स्ट्रक्चर वर्क ख़त्म हो गया है, अभी शीटिंग डालेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस शीट का साइज़ बता देता हूँ। 2.5 फीट का है ये, यानी 2.5 फीट का है, और इसका गेज 0.50mm का है। तो दोस्तों, जिंदाल कंपनी का यह शीट या पर रनिंग फिट 150 rupees का मिल जाएगा मार्केट में। ये एक शीट का कास्ट है 375 rupees का। तो हमने इस काम के लिए 33 फीट के लिए 10 शीट लाया है, और 10 शीट का कास्ट आके 3750 rupees का है। तो दोस्तों, हमने इस काम के लिए 4 शीट नए लाए हैं, और 6 शीट इनके पास ऑलरेडी पुराने पड़े थे, तो हमने उसी को कटिंग करके एडजस्ट किया है। जो भी कास्ट बता रहा हूँ वो सारा नया मटेरियल का है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग वाटर लीकेज के बारे में बहुत परेशान हैं, तो आप लोग बने रहो इस वीडियो में, वाटर लीकेज के बारे में भी आपको पता लग जाएगा हमने किस तरह किया है। तो दोस्तों, हमने यहाँ तक नया शीट डाल लिया है और बाकी का हिस्सा अब पुराना शीट डालेंगे। जो इनके पास पहले से ही पड़ा था तो हमने उसी को कटिंग करके उसमें एडजस्ट कर दिया है। तो दोस्तों, पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल पे प्रेस कर लो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।
तो दोस्तों सारा शीटिंग काम ख़त्म हो चुका है, अभी बारी है वाटर लीकेज प्रॉब्लम के बारे में। तो दोस्तों जब भी बारिश होगा तो ऊपर साइड से नीचे तक पानी जाएगा, तो हमने इसीलिए इस पर एक मार्किंग किया है ग्राइंडर मशीन में, दीवार काटने का ब्लेड डाल के इसको 1 इंच तक काट रहे हैं, क्योंकि जो सादा शीट हमने लाया है इसके अंदर जाके सही से बैठ जाए। तो आप लोग देख सकते हैं हमने किस तरह मार्किंग करके कटिंग कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसी तरह मार्किंग करके कटिंग करना। तो दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सादा शीट कहाँ पर मिलेगा और कौन सा शीट है करके, तो आप लोग को बता देता हूँ, ये जो सादा शीट है ये रूफिंग शीट डालने वाला मशीन है ना, उन्हीं के पास मिलेगा, वो हमें जितना चाहिए साइज़ कट करके देंगे वो। तो ये पीस का साइज़ है 8 इंचेस का और लंबाई आके 8 फीट का है, और पर पीस आके 300 का पड़ेगा। अगर 1 फीट का पीस चाहिए तो पर पीस आके 500 रुपये पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान रहे कि इसको बिठाते समय अच्छी तरीके से अंदर तक बिठाकर स्क्रू डालें, ये थोड़ा रख के स्क्रू डालने से ये बाद में बाहर निकल जाएगा, बाद से दिक्कत होगी, इसको डालने का फ़ायदा ही नहीं रहेगा, तो इसीलिए ठीक से बिठाकर स्क्रू डालें। तो दोस्तों अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल पे प्रेस कर लो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों हमने सारा शीट बिठा लिया है, अभी इसको साफ करके सिलिकॉन लगाने का काम है। तो दोस्तों हमने इस काम के लिए JP कंपनी का सिलिकॉन लाया है, ये आप लोग ACP पैनल पर और मेटल पर और सेरामिक ग्लास पर, डोर पर, एल्यूमिनियम पर, सब जगह लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसको लगाते समय ध्यान रहे कि ये धूप में ही लगेगा, अगर बारिश हुआ तो ये नहीं लगेगा, ये अच्छे से नहीं चिपकेगा, धूप रहा तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 24 आवर्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने किस तरह इसको लगाया है, तो ये अच्छे से अप्लाई करना, नहीं तो लगाने का कोई फायदा नहीं रहेगा, वाटर लीकेज होता रहेगा। तो दोस्तों ये सारा स्क्वायर फीट मिला के 83 स्क्वायर फीट आया है, और 83 स्क्वायर फीट पर 106 रुपीज़ से 8,800 रुपीज़ पड़ा है सारा मिला के, इसमें विदाउट लेबर चार्ज के, और उसका लेबर कॉस्ट है 4,000 रुपीज़, ये स्क्वायर फीट के हिसाब में नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर फीट काफ़ी कम है इसलिए।
तो दोस्तों आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है, तो आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटे को ऑल पे प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।